वेलकम टू बिया व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और खुश और खुर्रम रह रहे होंगे। अच्छा जी फ्रेंड्स, आज की जो मेरी रेसिपी है वो है, आज मैं गोश्त की हलीम बना रही हूँ। तो ये है जी बीफ हलीम, और इसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ, आप नोट कर ले। और बहुत ही ईजी है, आसानी से बनेगी, आप अपने घर में आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ इंग्रेडिएंट्स में है जी। के सबसे पहले तो मैंने एक्चुअली लिया है ये शान वालों का शाही हलीम मिक्स। इसमें दो तरह के आते हैं, आपको पता होगा कि एक जो है जिसमें दालें बिल्कुल उन्होंने पिसी हुई दालें होती हैं, ग्राइंड हुई हुई, वो आपने नहीं लेना, क्योंकि वो एक किस्म का बहुत ना बिल्कुल हलीम कम, और वो ऐसे लगता है कि जैसे ना आपने बस गोश्त के अंदर आटा डाल दिया है। ठीक है, आपने ये वाली लेनी है जिसमें दालें ऐसे होती हैं। ये देखें, ये मैंने इस पैक में से दालें निकाली हैं, ये आपके सामने है, ये देखें इस तरीके से, ये आपने लेनी है। ठीक है, इसे मैंने तकरीबन एक घंटा भिगो दिया था। अच्छा जी, उसके अलावा जो है मैं ये गोश्त गलाने वाला जो पाउडर है वो भी यूज कर रही हूँ, तकरीबन एक चम्मच। और साथ में जो है मैंने यहाँ पर ये गोश्त अपना रख भी दिया है, थोड़ा सा ऑयल डाल के, ताकि मैं इसको थोड़ा सा फ्राई कर दूंगी। ठीक है, ये देखें, मैंने यहाँ पे गोश्त रख दिया है, इसे मैं साथ साथ ना फ्राई करूंगी लहसुन डाल के, लहसुन को पीस के वो इसमें डालूंगी और फिर फ्राई करूंगी। अच्छा जी, ये देखें, अब ये जो हमारी इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, ये हमारे इंग्रेडिएंट्स में जो हैं ये दो लहसुन भी हैं। ठीक है, इसको मैंने जो है पीस लेना है, और पीस के मैंने जो गोश्त है जो मैं पहले शुरू में फ्राई करूंगी उसमें मैंने ये डालना है, और साथ में मैंने साबुत गरम मसाला भी डाल देना है उसमें। ठीक है, उसके अलावा जी हमारे पास यहाँ पे ये हैं, देखें, ये थोड़ी सी कलवंजी मैंने ली है, ये जो है ये जो शान हलीम मसाला मैंने आपको दिखाया है इसी में से इसका हलीम मसाला निकला है, ये वो है सारा, ये मैं पूरा पैकेट डालूंगी। उसके अलावा जो मेरे अपने घर के मसाले हैं उसमें ये कलवंजी है चुटकी, और ये जो है तंदूरी मसाला बिल्कुल हाफ टेबल स्पून, सॉरी हाफ टी स्पून है, और ये जो है ये वाइट जीरा, ठीक है, ये भी वन टी स्पून है। और उसके अलावा जी हमारे पास यहाँ पे ये कलर है जर्दे का रंग जो हलीम में जाएगा। उसके अलावा ये चाट मसाला है जो तड़का जब लगेगा तो उस टाइम ये डलेगा। उसके अलावा गरम मसाला है, और ये थोड़ी सी दही मिर्च डालूंगी मैं। ठीक है, तो चले फिर हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी फ्रेंड्स, ये देखिए जो गोश्त है ये मैंने एक्चुअली ले लिया था जो जिससे निहारी बनती है, बोंग वाला गोश्त मैंने वो लिया बगैर हड्डी के। ठीक है, आप चाहे हड्डी वाला भी ले सकते हैं और उसके बगैर भी ले सकते हैं। तो अच्छा, हमने अब ये गोश्त ले लिया, इसमें मैंने लहसुन ऐड कर दिया है। उसके अलावा मैं ये जो पाउडर है ये तकरीबन अंदाजे से डाल रही हूँ, आपने हाफ टी स्पून डालना है, गोश्त गलाने वाला पाउडर है ये। ठीक है, ये इसमें जाएगा। और उसके अलावा जो है मैं इसी के साथ जो है वो गरम मसाला साबुत वाला, ठीक है, वो हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, वो इसमें जाएगा, ताकि जो है उसका ज़रा अच्छा टेस्ट भी आता है, और वो इसी के साथ इसकी खुशबू भी अच्छी, और दूसरा ये कि जो गोश्त की अपनी स्मेल वगैरह होती है वो भी लहसुन से ख़त्म हो जाती है, और बल्कि आप अगर इस स्टेज पे जो है सिरका भी ऐड कर लें वो बहुत अच्छी चीज़ है, कोई स्मेल नहीं है रहती, कुछ भी नहीं रहता। ठीक है, तो ये देखें, बस अब इसको मैं अच्छे तरीके से फ्राई करूंगी, और इसको फ्राई करके मैं तकरीबन इसमें 5-6 गिलास पानी के डाल के मैं इसको ढक दूंगी। अच्छा जी फ्रेंड्स, ये देखें, अब ये इस स्टेज पे बिल्कुल जो है इसका कलर भी चेंज हो गया है, और ये जो है अच्छा खासा भुन गया है। तो मैं ये जितने भी मसाले मैंने आपको दिखाए थे वो मैं सारे इसमें ऐड कर रही हूँ, सिवाय सफेद जीरा, ये मैं एंड पे इसको भून के अच्छी तरह तवे पे, और फिर इसको पीस के और ऊपर से मैं डालूंगी। अभी मैं ये जो सारे मसाले हैं ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है, तंदूरी मसाला, कलवंजी, हलीम का अपना जो पैकेट में मसाला होता है वो, ठीक है, ये चले गए। और क्योंकि उसमें जो नमक होता है वो काफ़ी हद तक होता है मसाले में, तो इसलिए मैं नमक को थोड़ा सा ऐड करूंगी, तकरीबन मैंने हसबे ज़रूरत नमक जो है वो इसमें ऐड कर ली है। अब हम इसमें तकरीबन 5-6 गिलास पानी के डालेंगे,
और इसको हम अच्छे तरीके से गलने के लिए रख देंगे। जिसमें मैंने पानी जो है वो ऐड कर लिया है तकरीबन 5-6 गिलास, और इसको तकरीबन मैं 1 घंटे के लिए तो रख के भूल जाऊंगी। बाकी जो है अगर आप कुकर में इसको रखना चाहें और कुकर में करना चाहें तो उसमें जरा जल्दी काम हो जाएगा। जो 1 घंटे में हलीम बनेगी वो आधे घंटे में बन जाएगी, तो इसलिए। लेकिन ये है कि मैं आज खुद इसमें बना रही हूँ ताकि इसमें जरा टेस्ट इसका ज्यादा आता है, ठीक है। तो इस वजह से अब हम इसको पूरे 1 घंटे के लिए भूल जाएंगे। अच्छा जी फ्रेंड्स, ये देखें अब जो हम लोग का गोश्त है वो बिल्कुल तकरीबन गल चुका है, ठीक है। और क्या कहते हैं, अब मैं क्या करूंगी कि इसको अलग से थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे हम लोग। ज्यादा नहीं करना, अगर आपके पास चॉपर है आप उसमें करें, जूसर है उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि इतना करना है कि ये अलग अलग छोटे छोटे रेशे से हो जाए। बिल्कुल इसका आपने मलीदा नहीं बनाना है। और इस तरफ मैंने जो दाल थी साथ में, ठीक है, ये देखें इसको भी मैंने बॉईल कर लिया अलग से, और इसको भी मैं जो हूँ अलग से ग्राइंड कर लूंगी अच्छी तरह। आपने इसको भी पीस लेना है बिल्कुल उसके अंदर, लेकिन ज्यादा नहीं, इतना रखना है कि ये थोड़ी अपनी शक्ल जो है इसकी बरकरार रहे, ठीक है। अब हम ये दोनों चीजें ग्राइंड करते हैं और फिर उसके बाद जो है मैं आपको बताती हूँ हमने क्या किया। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मेरी दाल है उसको भी वो कर लिया है। अब ये जो इसका गोश्त की ग्रेवी थी इसमें मैं ये सारी दाल जो है ऐसे डाल दूंगी, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने इसमें ऐड कर देनी है और इसको हल्का सा हम हिला लेते हैं। थोड़ी सी फ्लेम मैंने अभी मीडियम रखी हुई है, फ्लेम आप भी मीडियम रख लें, और फिर इसको हम जरा इसमें हिला लेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं साथ ही ये जो गोश्त था इसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया और ये भी बीच ही में जाएगा, बिस्मिल्लाह, ठीक है, ऐसे। अच्छा जी, ये देखिए जी, ये दोनों जो चीजें थी, गोश्त भी ग्राइंड करके मैंने इसमें मिक्स कर दिया, दालें भी मिक्स हो गई। अब हमने इसको जो है बस हल्का फुल्का चम्मच हिलाते रहना है। तकरीबन जो हमारी हलीम है वो तो ऐसे ही आधी रेडी हो चुकी है, ठीक है। और आप इस स्टेज पे चाहें तो इसको वो जो मदानी होती है उससे भी आप साथ साथ वो करते जाएं, जैसे ऐसे कूटते हैं, ठीक है। लेकिन आप जो कूटने वाली पोजीशन है उससे हम निकल चुके हैं। ये देखें, ये इसमें मैंने गोश्त के ज्यादा वो नहीं बनाए थे, रेशे से हैं बस बीच में, ताकि ये खाने में अच्छी लगे। अभी मैं इसको जो है थोड़ा सा और करूंगी, और ये थोड़ा सा कलर रखा था मैंने, ये इसमें ऐड करना है मैंने, ठीक है। ये हमने कलर बीच में ऐड कर लिए, जर्दे का रंग जो रखा था ऑरेंज कलर का, ये मैं सारा डाल दूंगी। अच्छा जी फ्रेंड्स, ये हमारी हलीम जो है ये रेडी हो गई है, ठीक है। और ये जो है बिल्कुल रेडी है, बस अब इस पे मैं जो हूँ ये ढक्कन दे के रखने लगी हूँ साइड पे। और अब हम एक और पैन लेंगे और उस पैन में मैं डालूंगी ऑयल और इसको हम तड़का लगाएंगे। फ्रेंड्स, ये अब हम लोगों ने एक पैन में तकरीबन आधी प्याली जो है ऑयल की डाल दी है, और इसके अंदर मैं ये प्याज डाल रही हूँ सारा, और इसको मैं हल्का सा रेड कर लूंगी, ठीक है। अच्छा जी, ये देखे प्याज हम लोग की जो है वो काफी रेड हो गई है, ठीक है। और जब ये इतनी रेड हो जाए तो फिर जो है आपने क्या करना है कि इसके अंदर आपने ये जो मैंने थोड़ा सा जीरा रखा था वो डाल दे, ठीक है। जीरा डाल दिया हम लोगों ने। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है कि ये जो मैंने हलीम रखी हुई है इसके अंदर मैं ये प्याज डाल दूंगी। फ्रेंड्स, हम लोग की हलीम तो हो गई है रेडी। अब इस हलीम के लिए मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें काट के जो गार्निश के लिए है, वो थोड़ी सी तली हुई प्याज है, थोड़ा अदरक है और थोड़ी हरी मिर्च है। मैं डायरेक्टली सारा बीज में नहीं डालूंगी क्योंकि हम इसको डिश आउट करेंगे, और ऐसे भी आप डायरेक्टली सब कुछ हरी मिर्चें और हर चीज डाल दें तो घर के जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा लाइक नहीं करते। तो अभी हम इसको पहले डिश आउट करेंगे फिर हम इसकी सजावट। अच्छा जी फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रेसिपी है गोश्त वाली हलीम, बीफ हलीम, वो जो है अपने इख्तिताम को पहुंची, आपके सामने है। ये देखे, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप अपने घर में ये जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत इजीली और आसानी से बन जाती है और आपको ज्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती।
इंशाल्लाह एक और रेसिपी के साथ आपके पास हाजिर होंगी दोबारा। बिया ब्लॉग से मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, फी अमानुल्लाह।